हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज का जो ब्लॉग होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगा, क्योंकि इसमें जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि रंजना का जो साड़ी है और जो लुक है ना एकदम खतरनाक। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और कहा जाता है कि जो बड़ी होता है वो भाभी लोग को बनाना होता है, तो आज रंजना अपने काम पर लग गई है। और आप लोगों को लास्ट तक देखने को मिल जाएगा कि अभी हमारे घर में जो है पितर ने उतारा है, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिए, खूब सारा प्यार दीजिएगा और खूब अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और आज वीडियो है जो बैक टू बैक आएगा, तो आप लोग बने रहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं नहाकर रेडी हो चुकी हूँ और आज मैंने फिर से बाल धो लिए। और आज हमारे घर में है फंक्शन बारात, और आज बहुत अच्छा लगने वाला है, हम सब लोग बहुत मस्ती करेंगे। उससे पहले है कि अभी मैं जा रही हूँ जल्दी से पूजा कर लूँ, क्योंकि अभी शादी का घर है तो अभी थोड़ा लेट भी हो जाता है सोने में या फिर उठने में, तो बस यही है। और अब चलते जल्दी से पूजा करने, पूजा करने के बाद मम्मी जी पापा जी से आशीर्वाद लूँ। बाकी यहाँ पे बुआ जी आ गई है, एकदम मस्त रेडी हो चुकी। तब बुआ जी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आप तो एकदम बहुत अच्छे से तैयार वार हो गई हैं एकदम, को टाइम नहीं लग रहा आप में। हम उठे हैं 5 बजे का। 5 बजे उसी टाइम से बैठे हुए हैं। चलिए तब बैठे चाय पिए। हाँ चाय पिए, बैठिए। चलते जल्दी से हम पूजा कर कर आकर उसके बाद हमको भी रेडी होना है। कौन सा सेक पहनेंगे, कैसे क्या? बारह बनाना है तो हम ही लोग को। हाँ बहू लोग बनाती है। अच्छा, थोड़ा सा बना लेंगे, पकौड़ी जैसे बनता है बन जाएगा उसके बाद। तो किस गैस पे बनेगा? फिर हाँ गैस पर सब, मतलब साफ सुथरा हुआ है गैस, उसी पर बन जाएगा। तो बस बुआ जी यहाँ बता रही है 12 भाभी लोग ही बनाती है। तो अब चलते जल्दी से पूजा कर कर आकर उसके बाद जल्दी से हम भी कपड़ा निकालेंगे और उसके बाद तैयार होकर दिखाएंगे सब लोग। सब लोग आज खूब मस्ती। तब बुआ जी डांस करना है कि हाँ, नहीं? हाँ, मस्ती करना है। बुआ जी तो बहुत एकदम तहलका मचा देती हैं। कल रात में डांस हो रहा था तो एकदम सब लोग बहुत इंजॉय किए अच्छे से। चलिए जल्दी से चल रहे पूजा करने। ये तो यहाँ पे पूजा करने के बाद मम्मी जी पापा जी से आशीर्वाद ले लिए, बाकी बुआ जी से भी ले लिए। और अब बड़ी थी किचन में आ गया है थोड़ा। क्या बनाना है बुआ जी? 12 बनाना है। और ये भाभी लोग ही बनाती है? भाभी लोग ही बनाती है। हाँ भाभी लोग बनाती है, दोनों लोग बनाती हैं। तो अब जा रहे जल्दी से। वैसे बुआ जी जा रही थी बनाना, तो हम बोले कि बुआ जी आप रहने दीजिए मैं कर देती हूँ। तो अब चलते हैं बनाते हैं जल्दी से और देखते हैं। वैसे ये किस में लगेगा बुआ जी? हम लोग पितर ने उतारा था, घर का देवता है ना, उन्हीं लोग हम लोग पूजा करते हैं। उसके बाद यहीं जो घर में अगल बगल का आता है उसको दाल चना दाल में कर कर देते हैं। नहीं चना दाल आइए मिला कर दिया जाता है। जाता है तो वैसे ही 12 किस में दिया जाएगा? वो दाल पोलोथीन में करके। अच्छा, हम लोग में क्या होता है बुआ जी, 12 बन जाता है बिना नमक का। हाँ, और उसके बाद पूजा आ जाता है, उसके बाद फरवी में कर कर दिया जाता है। अच्छा, जैसा जिसका रिवाज होता है। तो इसी तरह होता है। हाँ तो हम लोग में ऐसे होता है, बाकी यहाँ पे अलग तरीके से हो रहा है, तो अब मैं भी जान गई हूँ। तो अब चलते जल्दी से बनाते। बाकी यहाँ पे तेल जल्दी से गर्म हो चुका है और दिखाते आप लोगों से। 12 को पहले रात में भिगो दिया गया था, अभी इसको पीस दिया गया है, दाल को भिगाया गया था। और उसके बाद यहाँ पे अभी तेल चढ़ गया है, तो चलते जल्दी से, ये गर्म हो चुका है, जल्दी से छानते हैं, उसके बाद फिर रेडी होंगे। बाकी मौसम देख सकते हैं कुछ ऐसा नज़ारा है, बस यही दुआ है कि बारिश ना हो, नहीं तो बारिश होता है तो पूरा तो ख़राब हो जाता। नहीं बुआ जी? तो चलते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए कितना छोटा छोटा बड़ी मैं बना रही हूँ। यहाँ पे पहले बड़ा बनाई थी, लेकिन बुआ जी के लिए कि थोड़ा छोटा बना दो, तो यहाँ पे छोटा बना। बुआ जी इसमें नमक मिलाया गया है ना? नहीं, बिना नमक का ना? बिना नमक का है। तो ये हमारे बिना नमक का ही बनता है। अच्छा, तो यहाँ पे बना रहे जल्दी जल्दी और आज सारा रस्म होने वाला है, एक से बढ़कर एक सब लोग रेडी होंगे एकदम अच्छे से, और खूब डांस भी किया जाएगा, एंजॉय किया जाएगा। बाकी बुआ जी का तो क्या बताऊँ, कोई बड़ी नहीं है, बहुत अच्छे से डांस करती है बुआ जी। मैं तो कल देखी थी, वैसे तो मैं अपने शादी में भी देखी थी वीडियो के थ्रू, बहुत अच्छे से करती है बुआ जी। ऐसा और लाल हो जाएगा। हाँ इसलिए तो तेज़ कर दिए यहाँ पे। हाँ तो यहाँ पे अभी बड़ी बन रहा है और
यहाँ पे भी छोटा छोटा बना है क्योंकि ये भगवान जी को चढ़ेगा और यहाँ पर भी बन रहा और ये अभी बनेगा, धीरे धीरे करके सब बनेगा। तो गाइस ये रहा मेरा फाइनल लुक मेकअप का और अभी मुझे कौन सा ड्रेस पहनना है कौन सा नहीं तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ ये वाला साड़ी पहनने जो कि ये कुछ ऐसा है और इसका जो डिजाइन है ना इसका डिजाइन काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे बैक का है और ये है फ्रंट का। तो चलते हैं जल्दी से रेडी होते हैं क्योंकि सब लोग फिर हड़बड़ा जाएंगे कल की तरह, आज भी मेरे को लेट हो जाएगा। मैं पीछे सबसे लास्ट में गई थी, सब लोग बोले थे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी चलना है। तो बस अब रहने देते हैं, जल्दी से पहन लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को फाइनल लुक दिखाएंगे। तो गाइज यहाँ पे मेरा मेकअप ब्लॉग स्टार्ट, मेकअप ब्लॉग नहीं बोल सकते क्योंकि मैं मेकअप जल्दी जल्दी में कर ली, लेकिन मैं फिर सोची कि मेकअप करने के बाद आज मैं कौन सा साड़ी पहनने वाली हूँ, साड़ी भी दिखा रही हूँ, लेकिन अब ज्वेलरी कौन सा पहनना है मुझे तो वो सब आप लोग को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ये वाला ज्वेलरी पहन ली हूँ और बाकी इसका ये रहा नेकलेस जो कि ये कुछ ऐसा है, आप लोग पता है कि ये कैसा लग रहा है, तो मैं इसको भी पहन ले रही हूँ। उसके बाद बस एक गले में पहनेंगे और कुछ नहीं पहनेंगे। तो यहाँ पे मेरा सारा मेकअप हो चुका है, साड़ी भी हो चुका है, लेकिन अब बारी की चूड़ी पहनने की, तो मैं बोली कि जल्दी से पहन लूँ और आज मैं अपना मेकअप ब्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करना था, नहीं तो कल की तरफ फिर आज लेट हो जाते। वैसे तो लेट हो गया है लेकिन फिर होगी कि नहीं, चलो थोड़ा बहुत तो कर लेते हैं। और अब बस मुझे पहनना है टीका और नथ पहनना है और हाथ का छल्ला, तो बस अब थोड़ी देर में पहन लेंगे वो भी, तो फिर मेरा फाइनल लुक आप लोग से दिखाएंगे। तो यहाँ पे मेरा फाइनल लुक तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ अभी मुझे टीका नथ पहनना है, उससे पहले कि मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से रिंग पहन लूँ और फिर उसके बाद यहाँ पे है नथ। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा रिंग आसला, ये कैसा लग रहा है, आज अभी नेल पेंट भी नहीं लगाया है तो अभी सबसे लास्ट में कर लेंगे नेल पेंट। और यहाँ पे रहा ये नथ जो कि ये नथ कुछ ऐसा है, मैं बार बार ये नथ इसलिए पहनती हूँ क्योंकि वो जो है एक और मेरे पास नथ है तो उसको पहनती हूँ ना तो ये मुझे नोज पिन निकालना पड़ता है, इसलिए बोले कि नहीं इसी को डाल लेते हैं जल्दी से, ये जल्दी हो भी जाता है और नाक का नोज पिन भी नहीं निकालना पड़ता है। सुंदर लग रही है वो वाला आई रुक में कम नहीं लग रहा। अब यह हमारी है टीका की, तो यहाँ पे जल्दी से टीका लगा लेते हैं। नीचे हो गया क्या? नहीं ठीक है, ठीक है। हो गया, अच्छा लगा। और कुछ पहनना? तो कहीं यहाँ पे देख सकते हैं लोग कैसे तैयार कर रही है, एकदम लग रहा है कि सो के फ्लैट हो गई है बेचारी। अब आज जो है लास्ट दिन है, आलस आ रहा है बहुत गंदा वाला, भूख लगा है, सो लो रात में जाएगी आज भी या कल भी, कल भी रिसेप्शन है ना, खा भी नहीं सकते, फल
फल वल खा के मैं पेट नहीं भरता है। ओआरएस चलेगा कहीं? कुछ भी खा के पेट नहीं भरेगा जब तक आज खाना मना ना और भूख लगे। खा सकती हूँ। अरे वही तो, उससे कुछ नहीं हो सकता है मेरा। भूख लग गया खाना वाला, मन कर चावल दाल सब्जी वब्जी कुछ मिल जाता था। पता चल जाता है ना कि नहीं मिलता है तो और मजा मन करता है कि नहीं यार काश मिल जाता। होटल जाना है, पानी के क्या हो रहा है? आए हो छोड़ दी, क्या हो रहा है? ये पीतर लेता सब देवी देवता। ये कुछ ऐसा दुख हुआ था हो रहा है यहाँ पे अभी पितर ने उतनी हो रहा है वो कंपनी का सबका काम वो पितर ने उताला उसी में चना का दाल बड़ी सुपारी पान पैसा पके उसी को भर कर आ शादी का दिन है पूजा हो रहा है पितृ लोग को नेवत दिया जाता है और सबको दाल और में डाला जाता है। तो एक वो गीत अब तो खत्म हो गया होगा सब। जरूर गाएंगे। किधर निताने वाला गीत गाइए। सोहावन लागे जिया सुशी जीवा भूला खाना जीनी सिलिया बेसाहिल सिली पोई चलली मनी सादे अभी हम लोग कहाँ आप जाने वाले हैं? अब हम लोग जाने वाले हैं सीढ़ी डोलाने शंकर जी के मंदिर के पास। वहाँ पर कुहार आके आ लेके बैठल बनल मिट्टी के तो चलिए अभी हम लोग मंदिर निकलने वाले हैं और सब लोग एकदम मस्त एकदम तैयार हो गया है लोग एकदम झाड़ झूड़ कर बहुत अच्छा लग रहा है। प्रिंस बाबू का हंसी तो देख बहन के शादी बहुत हम लोग का खुशी है तो अभी कि दोनों बहू लोग आई है एकदम मस्ती है बहू लोग का देख कर उसी में बैठल है बुलाओ अरे पुहारा के आ